महिलाओं के डिस्चार्जर्स ही बता देंगे कि अब बॉडी में क्या चल रहा है। डिस्चार्जर सही है तो महिला का हेल्थ सही है। डिस्चार्जर्स का रंग, स्मेल या फिर बिल्कुल भी ना आना, इसका मतलब महिला के हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ओवुलेशन के टाइम के डिस्चार्जेस अलग होते हैं, पीरियड आने के डिस्चार्जेस अलग होते हैं, पीरियड में अलग होते हैं, पीरियड के बाद अलग होते हैं, प्रेगनेंसी में अलग होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो सबको जानता है कि ओवुलेशन के समय के जो डिस्चार्ज होते हैं महिला के, वो काफ़ी अलग होता है। हर महिला को ये पता होता है। ओवुलेशन के टाइम के डिस्चार्जेस कैसे होंगे? काफ़ी गाढ़े होंगे, काफ़ी उसमें स्ट्रेचबिलिटी होगी, काफ़ी अलग सा डिस्चार्ज होगा, रंग भी बिल्कुल वाइटिश होगा। साथ ही अगर आप बात करो तो म्यूकस जैसा आपको लगेगा, जो कॉफ होता है सर्दी खांसी में, जो कॉफ जैसा होता है, कई महिलाओं को वैसा डिस्चार्ज होता है। वही कई महिलाओं को थोड़ी बहुत स्पॉटिंग भी दिखती है ओवुलेशन के टाइम में। जब एग रिलीज होता है तो स्पॉटिंग भी दिखती है महिलाओं के डिस्चार्ज में। तो ये होता है ओवुलेशन के टाइम का डिस्चार्ज। ओवुलेशन के टाइम के डिस्चार्ज कब आपको दिखेंगे? जब आप ओवुलेट करोगे, यानी कि महीने के बीच के दिन के आसपास अगर आप कोशिश करो देखना तो वो ओवुलेशन टाइम होता है। और उस वक्त आपको ऐसा डिस्चार्ज अगर दिख रहा है तो इट मीन्स आप ओवुलेट कर रहे हो। दूसरा क्या है कि अब आप सोचोगे कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, पीरियड आने का डिस्चार्ज है, तो वो कैसा होगा? वो होगा बिल्कुल वॉटरी फॉर्म में। ये पीरियड आने से मतलब 2 से 3 दिन पहले आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वाटरी फॉर्म में अचानक से आपका डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। कई बार आपको ब्राउनिश टाइप का डिस्चार्ज भी दिखेगा, मतलब ये कि पीरियड आने के एक दिन पहले से ब्राउनिश डिस्चार्ज होना, कि जो गर्भाशय में पहले के पीरियड का जो भी म्यूकस टिश्यूज संचित था, वो भी डिस्चार्जेस के माध्यम में, स्पॉटिंग के माध्यम में पहले निकलना शुरू हो जाता है। तो ये ब्राउनिश डिस्चार्ज भी महिलाओं को दिखता है। ये पीरियड आने के डिस्चार्जेस, पीरियड क्रैम्प शुरू हो गया, पीरियड फ्लो शुरू हो गया, इट मीन्स कि वो पीरियड ही है। अब दूसरा ये कि अगर पीरियड नहीं आने वाला है, प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, तो उस समय के डिस्चार्जेस कैसे होंगे? तो अगर आपने इस मंथ कंसीव कर लिया है तो फिर आपके डिस्चार्जेस वाइटिश फॉर्म में और थोड़ा सा उसमें स्टिकीनेस होगा। बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रेगनेंसी कंसीव करते बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस होता है, बिल्कुल भी नहीं। उसमें हल्का सा आपको स्मेल भी नज़र आएगा। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, अगर माने कि बेबी हेड डाउन कर लेता है, बेबी का वजन ज़्यादा होने लगता है, तो फिर डिस्चार्जेस ज़्यादा होते हैं, म्यूकस प्लग निकलता है, तब स्पॉटिंग होते हैं। तो ये है प्रेगनेंसी के डिस्चार्जेस। कुछ डिस्चार्जेस जैसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना, तो उसके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। कई लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पीरियड समझ लेते हैं, जिनके फ्लो काफ़ी कम होते हैं वो लोग तो पीरियड समझ लेते हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कैसा होता है? स्पॉटिंग जैसा होता है, पीरियड में कोई फ्लो नहीं होता है, बिल्कुल स्पॉटिंग जैसा आपको नज़र आएगा, ठीक है, दाग धब्बे जैसा। और ये सिर्फ 1 से 2 दिन ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बोल रही हूँ, 1 से 2 दिन रहेगा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, उससे ज़्यादा नहीं होगा। फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा, पेट में कमर में ज़्यादा दर्द नहीं होगा, यानी इम्प्लांटेशन क्रैम्प पीरियड के क्रैम्प के जितना भी नहीं होगा। ये कब होगा? ये हो सकता है इम्प्लांटेशन के समय, ओवुलेशन के 6 से 12 दिन के बीच भी हो सकता है, डेट मिस होने से पहले भी हो सकता है, डेट मिस होने के बाद भी हो सकता है। इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है किसी भी महिला का। ज़रूरी नहीं कि एक महिला का ओवुलेशन के 6 से 12 दिन के बीच हुआ है तो दूसरी महिला का भी उसी समय हो, डेट वाले दिन भी हो सकता है। मैं ये भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर 1 से 2 दिन बिल्कुल स्पॉटिंग हुआ, फिर बंद हो गया, कोई फ्लो नहीं है, कुछ नहीं है, आगे भी पीरियड कंटिन्यू नहीं रहा, तो इट मीन्स कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। डेट को मिस होने दीजिए, फिर टेस्ट कीजिए, पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। अगर ज़्यादा वेट करना है तो डेट मिस होने के 5 से 10 दिन के बाद से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, कंफर्म होने के लिए अच्छे से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाए। धन्यवाद।